हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका सर एकदम है। कश्मीर के पुलवामा में इंतहा पसंदों की जानिब से बुजदिलाना हमले में मुल्क के सीआरपीएफ के 40 जाबाज जवान जाबर्क हो गए, जिसकी वजह से मुल्क भर में गुस्से की लहर देखी जा रही है और जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। शहर हैदराबाद में भी कई जगहों पे एहतजाज के मुजाहरे चल रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अपने वतन के सिपाहियों के लिए नारेबाजी कर रहे हैं कि वो अमर रहे, और उनके नाम पर 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की जा रही है। आज शहर हैदराबाद के पुराने शहर के AMIM बल्लागुड़ा एरिया सभा मेंबर कलीमी 20, वार्ड मेंबर तला कसेरी, फहद बा सुलेमान अब्दुल्ला सरिता की जानिब से चंदनगुट्टे में जीशान होटल से चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन तक कैंडल मार्च निकाला गया। सभी लोग हाथों में मोमबत्तियां पकड़े हुए नजर आए। इस कैंडल मार्च में बल्लागुड़ा और बारकस के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हमले में जिम्मेदारों और पाकिस्तानों को अच्छा सबक सिखाए। मैशेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। आओ झुककर सलाम करते हैं उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के लिए काम आता है। हम सलूट करते हैं हमारी आर्मी और सीआरपीएफ के रियल हीरोज को, उनकी बेबाबी को, उनकी निडरी को, उनकी जाबाजी को, उनकी बहादुरी को। हमारे बहादुर सिपाहियों को हम सलूट करते हैं। कुछ कैंडल कैंडल पीछे से लोगों ने, कुछ नामर्दों ने पीछे से हमला करके, आतंकवादी हमला करके हमारी हिम्मतों को कुछ नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। अरे वो दीवानों है बखो, हमारे सोल्जर्स रियल हीरो। आर्मी और सीआरपीएफ से पहले हम सिविलियन से तुम मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रख सकते हो। हम गोली खा लेंगे हमारे देश के लिए, लेकिन हमारी सोल्जर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस को धक्का होने नहीं देंगे। तुम पीछे से हमला करते हो, सामने से हमारी आर्मी फाइट करने वाली का नाम हिंदुस्तान है। सामने से मुकाबला करने वाली फौज का नाम हिंदुस्तान है। डट कर मुकाबला करने वाली फौज का नाम हिंदुस्तान है। बहादुर फौज का नाम हिंदुस्तान है। कुछ नामर्दों ने पीछे से हमला करके आतंकवादी हमला किया है। जरूर इसका बदला हिंदुस्तान को ईंट का बदला पत्थर से देने आता है। जरूर इसका बदला दिया जाएगा तुम्हें, जल्द से जल्द तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा। और हमारे आज हिंदुस्तान के देश में एक एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर हमारे शहीदों के लिए, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उनका जो वारिसीन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और उनका हिम्मत दे। उनके वालिदैन भी ये कर रहे हैं कि एक बच्चा मुल्क के लिए गया और दूसरा बच्चा भी हमारा तैयार है मरने। हम भी तैयार हैं, हम सिविलियंस भी तैयार हैं। हमारी फौज के रियल हीरोज से लड़ने से पहले हैदराबाद सल्तनत के ये रियल हीरोज से अगर हमें हुकूमत इजाजत दे तो हम बॉर्डर पर जाएंगे, हमारी फौज से पहले इनसे मुकाबला करके इनको खिदरा खिदरा के मारेंगे। ये पुराने शहर के तमाम रियल हीरोज, हैदराबाद के हीरोज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ के एमपी अशद भाई, अकबर भाई और हमारे यहाँ के टीआरएस के पूरे एमएलए सर, उनको लेकर हम इनका मुकाबला करके। हमारे फौज से तो क्या लड़ते रहे, तुम लोग यहाँ पर दो तो हिम्मत भी नहीं है हमारी फौज से लड़ने का। वो रियल हीरो है, वो जाबाज है, वो बेबाक बहादुर सिपाहियां हैं। जिन जिन हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए याद में हमने आज यहाँ पर निकला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राशिफ भैया बल्कि हमने मुन्ना बच्चे, खवातीन, हमारे हिंदू बहने, मुस्लिम बहने सब मिलकर निकले हैं। हम जरूर ईद का बदला पत्थर से देना जानते हैं, जरूर इसका बदला लेकर रहेंगे। हिंदुस्तान
Hindustan! Hindustan! Hindustan!
जिंदाबाद। एक जगह ठहर जाओ थोड़ी देर, इसके बाद टाइम वीडियो। जिंदाबाद वीर जवान, जिंदाबाद वीर जवान, जिंदाबाद वीर जवान, जिंदाबाद जिंदाबाद।